एज यू कैन सी अभी हमारे बाइक में BS4 अपाचे 200 का वाइजर ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट हमने इसको अल्ट्रेशन करके इंस्टॉल किया था। उसकी वजह से जो नंबर प्लेट है ना वो थोड़ा सा बेंड है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आया है एंड हमें नंबर प्लेट में ये फ्रेम इंस्टॉल करना है। तो बट अभी TVS ने कस्टमर की डिमांड देख के जो BS4 का वाइजर है उसको BS6 कंपेटेबल बना दिया है, ऑफिशियल एक्सेसरीज है फ्रॉम द TVS। ये कैसे परचेज करनी है वो मैं आगे वीडियो में जाके बताऊंगा, तो तब तक वीडियो में बने रहना। कंपनी ने प्रॉपर ब्रैकेट्स वगैरह दिए हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा और जो नंबर प्लेट भी है वो भी हमारा प्रॉपर दिखेगा। प्राइस में भी इतना डिफरेंस नहीं है, ये मैंने अराउंड कुछ 250 में लिया था और इसका प्राइस 377 है। ब्रैकेट का पूरा सब मिला के जस्ट 100 रुपीज़ या 125 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है एंड दैट्स रीजनेबल प्राइस है। एंड इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ टूल्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर लेना है स्टार, उसमें हो जाएगा। अगर ये एक्सेसरी आपको नियर बाय सर्विस सेंटर में भी नहीं मिलेगी पार्ट नंबर बता के, तो भी आप इसको एक जगह से परचेस कर सकते हो, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तब तक पहले ये जो हमारी अनबॉक्सिंग है वो करता है। बॉक्स में मुझे मिला था ये, इसमें ब्रैकेट्स है और जो वाइज़र है वो सेपरेटली दिया है इन्होंने, जो हमारा अंदर के मेटल ब्रैकेट्स है उनसे स्क्रैचेस ना पड़े वाइज़र पर। ये दो मेटल ब्रैकेट्स है, स्क्रूज रहती हैं और इसमें बाकी की ये सेट था पहले वाला जिसको हमने इंस्टॉल किया था, जस्ट ये रबर बुशिंग्स रहते हैं, स्क्रूज रहते हैं एंड दो क्लैंप्स रहते हैं एंड ये ऐसा पूरा वाइजर रहता है। इसके चार्जेस इन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए, बट ठीक है यार 100 125 में इतने अच्छी क्वालिटी के ब्रैकेट्स हमें मिल रहे हैं। ये पूरा वाइजर है, प्लास्टिक रैप करके आता है। तो चलिए अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हमारा नंबर प्लेट था, ये कुछ ऐसा बेंड होके इंस्टॉल होता था, वो देखने में ठीक नहीं लगता था एस्थेटिकली। टूरिंग वाइजर भी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, बट अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं किया है, लॉन्ग टूरिंग नहीं हो रहा है, बट जल्दी इंस्टॉल करने वाले हैं। वो भी आपको ये ओल्ड जो ब्रैकेट है को रिमूव करना है, ये होगा ये, इसको हम अभी साइड में रख देंगे। एंड ये जो स्क्रूज है आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है, ये जो पैकेट में आते हैं ना ये दो लंबे स्क्रूज है, इसको आपको यूज़ करना है आगे इंस्टॉलेशन के लिए। तो इस ब्रैकेट का आपको इसके साथ अलाइन करना है, ये जो स्क्रूज आते हैं ये दो, ये इसमें इंस्टॉल कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइड भी टाइट कर देना है। और ये हमारा फेवरेट ऑडियंस इधर आ चुका है, जो वाइजर का किट आता था उसमें ब्रैकेट्स वगैरह भी उन्होंने दिए, लेकिन इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये तीन बुशिंग लगेंगे आपको, एक दो ये दो है एंड वो सेकेंड इसमें सेकेंड में ये आता है, ये तीन स्क्रूज आपको जस्ट चाहिए और ये तीन बुशिंग और ये पैकेट। चलो जो पूरा जो था वो निकालना पड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है ना ये सब लगाने के बाद ना ये जो स्क्रूज है वो प्रॉपरली टाइट नहीं हो रहे। उसका रीज़न क्या है, जो ये ब्रैकेट्स है उनका जो ऊपर जो पेंट हुआ है ना वो पेंट दिखिए इधर, पेंट अंदर होने की वजह से ना ये प्रॉपर जो है वो स्क्रूज अंदर नहीं जा रहे थे। मैंने पूरा निकाला, गियर ऑयल थोड़ा सा लिया है उस पर एंड इसको लगा के फिर इसमें पूरा हमने अंदर तक स्क्रू किया सब निकाल के, ताकि जो पूरा जो वे है हमारा ना वो फ्री हो जाए। अभी देखिए पूरा अंदर तक जा रहा है, अभी सिंपली जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था क्योंकि जो पेंट था ना वो थोड़ा सा हमारा जो वे था स्क्रू का वो ब्लॉक कर रहा था। हो रहा है तीनों भी साइड पे हमने किया, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उस साइड पे हुआ, इधर का हो रहा था ये देखिए इधर पेंट जो है उस स्क्रू के अंदर का काफ़ी गिरा ये, तो भी पूरा तीनों भी साइड पे स्क्रू मैंने ऐसे ही इंस्टॉल करके अनस्क्रू किए पूरे, ताकि ये प्रॉपरली हमारा जब फिटिंग करेंगे तब हो जाए। जो तीनों भी स्क्रू है उनको गियर ऑयल या फिर लूप से इंस्टॉल किया है तो प्रॉपरली हो गया। तो ये जो नीचे का ब्रैकेट था हमारा उसके साथ जो स्क्रू हमने निकाले हैं ना वो स्क्रू को हमको नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करना है। तो
तो आफ्टर इंस्टॉलेशन लुक कुछ ऐसा आ रहा है, सही आ रहा है, बाइक काफ़ी सही दिख रही है। जो BS4 का हमारा वाइजर था, हमने जो अल्ट्रेशन करके इंस्टॉल किया था, वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर था, स्लाइटली ऐसा आ रहा था, ये थोड़ा सा नीचे है। एंड प्राइस इसका 377 रुपीज़ पड़ा। एंड ये TVS की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया, ये पार्ट नंबर मेरा मेंशन है इधर, आप नियर बाय सर्विस सेंटर में जाके भी एक बार चेक कर सकते हो क्या अवेलेबल है कि नहीं। नहीं है तो आप TVS की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करो। आर्टिया 310 के इंडिकेटर्स का इंस्टॉलेशन वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।